हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। दोस्तों आज के वीडियो में केमिकल से रिलेटेड शेयर के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, इसका नाम आप देख सकते हैं गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल्स केमिकल्स एंड बोटानिकल्स प्रोडक्ट। तो ये दोस्तों फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड कंपनी का काम काज है। दवाएं बनाती है कंपनी, बहुत ही शानदार काम काज। इसके फंडामेंटल्स की भी हम बात करेंगे दोस्तों, और उसके साथ साथ स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गिरते हुए मार्केट में कितने इसने रिटर्न्स दिए पिछले कुछ सालों में, इसमें जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको करोड़पति बना दिया इस स्टॉक ने दोस्तों, और आगे इसमें क्या पोजीशन बन रही वो भी आपको इस वीडियो में बताने। मतलब वीडियो को लास्ट तक बनाना, आपकी कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट जरूर से करना। अगर आप दोस्तों नए इन्वेस्टर है शेयर बाजार में, नई आपने एंट्री ली, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि हमको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना, किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करना और कौन सा स्टॉक चूज करना जिसमें हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा ना डूबे। तो आप काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से एक अच्छी सी कंपनी जो आपको मल्टी वेगर रिटर्न्स बना करके दे उसको चुनना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं नामुमकिन काम है। अगर आप ऐसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे कोई भी वीडियो देख करके, तो डेफिनेटली 100% आपके पैसे डूबने के काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा ऐसा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ वहाँ से कहीं ना कहीं आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक स्टॉक लेकर के आया गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड। तो ये स्टॉक थोड़ा सा पेनी शेयर से हट करके है दोस्तों, इसकी प्राइस आप देखेंगे तो 251 रुपये के आसपास है। कल ये 2% के आसपास, 1.5% के आसपास बढ़ा है। इसकी मार्केट कैप देखें 2429 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 27.5 है, ROC 29.1%, ROE देखें 29.2%, बुक वैल्यू 23.6%। करंट प्राइस इसकी 251 रुपये, इसका 101 का लो था और 270 का इसने हाई मार दिया, अभी हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है। इसके साथ ही कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 1 रुपये के आसपास है। कंपनी कामकाज क्या करती है मैंने आपको बता दिया, केमिकल से रिलेटेड कंपनी का कामकाज है। वहीं इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो एक पेनी शेयर था दोस्तों, 24 रुपये के आसपास इसकी कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। वहाँ से कंपनी लगातार चलती है 2010 में ये लगातार एक ही लाइन में चल रही थी, लेकिन दोस्तों 2014 के बाद से जो कंपनी ने ऊपर उठना चालू किया, कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार ऊपर जा रही। अपने टॉप हाई पर अभी आपको 250 रुपये के आसपास कंपनी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। 24 रुपये का शेयर 250 रुपये का हो गया, तो आप सोच सकते हैं कितने रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको बना करके दिए। प्रॉस और कॉन्स पर नज़र डालें तो कॉन्स एक ही है इसका, सिर्फ स्टॉक इज ट्रेडिंग 10.64 टाइम इज अ बुक वैल्यू, बस एक ही कौन से। लेकिन इसकी प्रॉस देखेंगे आप, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, देख लीजिए लगातार अपना कर्ज चुका रही है। लास्ट क्वार्टर जो इसका बहुत ही शानदार गया, और पिछले क्वार्टर में ग्रोथ जो है लास्ट 5 ईयर्स में 43.44% की ग्रोथ है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न्स ऑफ द इक्विटी, बहुत ही शानदार रिटर्न्स भी दिए अपने इन्वेस्टर को, और कंपनी इज द मॉडर्न सेल्स विद ग्रोथ, इसकी सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर से, तो बहुत ही शानदार। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि अभी अभी कंपनी का कामकाज अच्छा हुआ, शुरू से कंपनी का कामकाज बहुत ही अच्छा चलता रहा लगातार। वह इसके बैलेंस शीट पर भी हम नज़र डाल लेते हैं तो शेयर कैपिटल्स आप देखेंगे तो लगातार 8 थे फिर 10 हो गए। रिजर्व्स कंपनी के पास देखें तो लगातार बढ़े, पहले 10 करोड़ के आसपास थे, 15-20 करोड़, 25-30 करोड़, लेकिन अभी पिछले 3 क्वार्टर्स इसके रिजर्व्स की बात कर 219 करोड़ के आसपास पहुंच गए। कंपनी का कर्ज देखेंगे, बहुत ज़्यादा कर्ज हुआ करता था कंपनी में, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गया, कंपनी ने अपना कर्ज घटा दिया। और एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स में एकदम से इजाफा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा इजाफा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देख लीजिए कितनी बढ़ी है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं, 65.75% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी जब कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद में पिछले 2 सालों में आप देखेंगे तो 75% 10% का इजाफा आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में देखने के लिए मिल जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का कामकाज कितना अच्छा होने वाला है, आगे भी होने वाला है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग्स देख लीजिए 24.55% लगातार बनी हुई है, थोड़ी सी कमी आई है वहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ती हुई आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पर इसकी 1 डे की चार्ट की बात करें, 1 वीक की दोस्तों, तो 3% का इजाफा 1 वीक में हुआ है। वहीं पर 1 मंथ की बात करें तो 19% का इजाफा आपको, जहाँ पर पूरा मार्केट गिर रहा है वहाँ पर इसने 19% का प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर को दे दिया है। 1 ईयर्स की बात करेंगे तो 148% का प्रॉफिट इसने अपने इन्वेस्टर को बना करके दे दिया दोस्तों। और ऐसा नहीं कि स्टॉक पेनी शेयर में क्या होता है दोस्तों, कहीं अपर सर्किट लग रहा है या कहीं लोअर सर्किट लग रहा है, तो इसमें से आप एग्जिट नहीं कर पाते, आपको चांस नहीं मिलता। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी लगातार ट्रेड करती आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत ही बढ़िया कंपनी, तो आप इसमें से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपने इसमें 1 साल पहले 1 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट किया होगा, कम से कम दोस्तों आपका यहाँ पर 2.5 लाख रुपये इसने बना करके आपको दे दिया होता। वहीं पर लास्ट 3 ईयर की बात करी जाए तो 225% के रिटर्न निकाल करके दे रही कंपनी, लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो
85% के रिटर्न्स कंपनी ने बना करके दिए। 5 साल का रिजल्ट, 5 साल का रिजल्ट अगर आप इसका देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं फंडामेंटल का, तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स लगातार कंपनी देती है। ऐसा नहीं कि कभी ऊपर नीचे जा रही, लगातार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को बना करके कंपनी ने दिए। वहीं इसकी परफॉर्मेंस की बात हम करेंगे तो टुडेज लो टुडेज हाई में आप इसका फर्क साफ देख सकते हैं। बावनिक पहले 100 रुपये का था, 270 का हाई मार दिया, इसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपये के आसपास। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, कंपनी की नेटवर्थ पहले 173 करोड़ की थी जो कि बढ़ करके 228 करोड़ के आसपास हुआ। कंपनी का प्रॉफिट भी आप देखें तो लगातार बढ़ते आ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर 2020 में 15 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि दिसंबर 2021 में 21 करोड़ का, तो यहाँ पर भी आपको इजाफा देखने के लिए साफ मिल जाता है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू भी लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, जिसके आधार पर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मुझे इस कंपनी में नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा जिससे हमारे मन में सवाल आया कि इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें लॉस हो सकता है। और पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के आधार पर आप कह सकते हैं कंपनी आपको आगे भी अच्छे खासे रिटर्न्स देने वाली है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर से नज़र बना कर रखिए। आपकी कोई भी कमेंट